तो देखो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा हो गई और जापर कृपा राम की होई तापर कृपा करहें सब कोई। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, बाकी संसार वाले तो फिर अपने आप ही आगे पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो मुख्य है भगवान की कृपा। तो आप भी भगवान की कृपा का ही प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की कृपा और भगवान की दया का ही संचय हो। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान ऋषभ देव के अवतार की कथा सुनाई। भगवान ऋषभ देव भी हमारे भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हैं और भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत। तो देखो पहले ऐसी परंपरा हुआ करती थी आचार्य जी कि हर पिता हर घर का मुखिया रात्रि में जब सब लोग इकट्ठे हो जाते थे तो कहीं न कहीं 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या तो रामायण पढ़ी जाती थी या हनुमान चालीसा पढ़ा जाता था या सुंदर जीवन के कल्याण कारक कोई उपदेश सारे घर को प्रदान किया जाता था, माने घर घर में सत्संग हुआ करता था। आज वो परंपरा बिचारी लुप्त हो गई है, इसमें भगवान की क्या गलती है। तो देखो आज ऋषभ देव भगवान भी अपनी संतान को उपदेश कर रहे हैं, जीवन के कल्याण के लिए उपदेश कर रहे हैं कि देखो भाई आप हमारे 100 बालक हैं, हम इस घर के मुखिया हैं, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम आपके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सुंदर शिक्षा तुम्हें सुंदर संस्कार तुम्हें प्रदान करें। तो भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं कि नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान नरहते विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। देखो पुत्रो इस संसार में संसार के प्रति या ये देह के प्रति हमारी ये जो ममता है, हमारा ये जो मोह है, हमारी ये जो आसक्ति है, ये व्यवहार तक ही सीमित रहे तो है ठीक, और कहीं इतना लगाव हो गया कि अब जाने का समय आ गया है तो संसार का ही चिंतन हो रहा है। अरे भैया हम मर जाएंगे तो हमारी पत्नी का क्या होगा, हम मर जाएंगे तो हमारी कोठी का क्या होगा, धन दौलत का क्या होगा, गाड़ी बंगले का प्लॉट का मकान दुकान का बाल बच्चों का क्या होगा। यदि इसी चिंतन में तुम मर गए तो निश्चित ही सर्प की योनि मिलेगी और फिर वहीं या कुत्ते की योनि मिलेगी, वहीं मंडराते रहोगे, बार बार द्वार पर आओगे और तुम्हारे ही बच्चे फिर तुम्हें डंडा मारेंगे, फिर आ गया अभी भगाया था, लेकिन डंडा खा करके काए काए करके भाग गए और थोड़ी देर बाद 100-100 जूते खाए तमाशा, घुस के देखेंगे कोई बात नहीं भाई अपने ही बच्चे हैं, अपने ही पुत्र प्रपोत्र हैं, नाती पोते हैं, कोई नहीं डंडा मार रहे हैं तो क्या है, फिर चलता हूं। तो फिर आ गए फिर डंडा खाया। तो इसी तरह से सारा जीवन उसी घर के
इर्द गिर्द कुत्ता बन करके निकाल दिया या सांप बन करके निकाल दिया। और सांप का जीवन आप जानते हैं ना कैसा होता है, यदि घर में किसी को दिख गया ना द्वार के बाहर या द्वार के अंदर कि यहाँ सांप आया है, तो महाराज उसी के बच्चे फिर लयोरे लाला लठिया ला लठ ला सोटा ला डंडा ला बल्लम ला बंदूक ला और फिर दे डंडा महाराज हलवा बना देते हैं सांप के मुंह को, ऐसा कुचलते हैं देखने लायक होता है। तो भगवान ऋषभदेव उपदेश दे रहे हैं कि ऐसी ममता बेटा संसार में या घर गृहस्थी में हमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से जीवन जीने की दृष्टि से आप थोड़ा लगाव रखें, लेकिन वो बाहर तक ही सीमित रहे, अंदर न चिपक जाए। बेटा जीवन को तपमय बनाना चाहिए, तपस्वी साधु संतों का हमें सेवन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों का सेवन करना चाहिए, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद्धारम योषिताम संग संगम, ये महापुरुषों की सेवा ही तुम्हारे कल्याण का द्वार खोलने वाली है, तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। संत संग अपबर्ग सुख कामी कर भव पंथ, तो कामी का संग, चोर का संग, डकैत का संग ठीक नहीं बेटा। साधु संतों का, साधकों का, भगवत भक्तों का हमें संग करना चाहिए। तो देखो भगवान ऋषभदेव ने तो बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान करी, लेकिन भैया शिक्षा उपदेश सुनते तो सब हैं, लेकिन बैठता किसी किसी के हृदय में जाके है। तो वहां भी ऐसे ही हुआ, 99 बच्चों ने हंस करके इधर से सुन लिया उधर से निकाल दिया और फिर अपने वही खेल कूद मौज मस्ती में रत हो गए। लेकिन सबसे बड़े बेटे जिनका नाम है भरत, भरत जी को पिताजी का उपदेश लग गया। भरत जी ने पहले राज कार्य किया और तत्पश्चात भरत जी ने लगभग 50 वर्ष के बाद राज कार्य दुनियादारी घर गृहस्थी छोड़ करके और सीधे चले गए जो आजकल नेपाल में जगह जानी जाती है, काठमांडू में पड़ती है गंडकी नदी। तो गंडकी नदी में जा करके भरत जी महाराज ने तपस्या करी, पहले दोनों पैरों से खड़े होकर के करी, फिर धीरे धीरे अभ्यास किया तो एक ही पैर पर खड़े होकर के करने लग गए। और आज दैव योग से एक हिरणी जो कि गर्भवती है, बड़ी व्याकुल है, बड़ी घबराई हुई, डरी हुई, सहमी हुई है, दौड़ी चली आ रही है, पीछे सिंह पड़ा है और आगे रास्ते में नदी पड़ जाती है। महाराज अब तो हिरणी सोच रही है कि इतकूं कुआ इतकूं खाई और कितकूं जाऊं, मेरी आफत आई, तो मरने से पहले एक चांस देख लेते हैं, यदि नदी पार कर गई तो कर गई और नहीं मरना तो है ही। तो हिरणी ने बच्चे को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, दैव योग से प्रसव की पीड़ा हुई, वायु का वेग आया, छलांग के साथ ही प्रसव जो है संसार में आ गया। हिरणी का बच्चा तो उत्पन्न हो गया, लेकिन हिरणी बिचारी पधार गई, जल में बह करके चली गई और बच्चे की चहचहाहट जब भरत जी महाराज के कानों में आई तो भरत जी ने आंखें खोली, भरत जी ने बच्चे को देखा, दया आई, गोद में उठाया, तुरंत साधना तपस्या छोड़ के कुटिया में गए, कपड़े से पोंछा, अग्नि जला के उसकी ठंडक दूर की और
उसे कपड़ों में लपेट करके रखा, कुछ दिन उसे दूध पिलाया लाला करके, और जब खाने लायक हो गया तो घास भी खिलाने लग गए। अब यहां तक तो ठीक था, अच्छी बात है, दया करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, किसी का सहारा हमें बनना चाहिए। लेकिन महाराज जब बालक बड़ा हो गया तो उसे अब छोड़ देना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए, भैया अब तुम अपने आप घास खाने लग गए हो, अब तुम जंगल में जाओ और हम अपनी तपस्या करें। लेकिन महाराज उस हिरण के बच्चे से भरत जी को इतना प्रेम हो गया, इतनी आसक्ति, इतना लगाव हो गया कि अब तो दिन रात उसी की सेवा में लगे हैं, उसी को गोद में लेकर के प्यार करने, लाड़ लड़ाने लगे हैं, और इसी तरह से जीवन निकल गया, तपस्या छूट गई, भजन छूट गया, जो पहले किया था वो तो था ही, क्योंकि किया गया भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज भरत जी महाराज जब संसार छोड़ करके जाने लगे मिश्रा जी, तो हिरण के बच्चे का चिंतन हो रहा है, सोच रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा तो सिंह आकर के इसे मार के खा जाएगा। तो ऐसा सोचते सोचते अंतमति सो गति हो गई, भरत जी महाराज का प्राणांत हो गया, और अगला जन्म फिर जंगल में हिरणी के गर्भ से ही हिरण बन के हुआ, क्योंकि हिरण का चिंतन करते हुए गए। लेकिन भजन के, तपस्या के प्रताप से पूर्व स्मृति बनी हुई है, तो अब कोई गलती नहीं करना चाहते। भले ही हिरण है, हरी भरी घास नहीं चरते, एक एक कदम फूंक फूंक करके रखते हैं। आज जंगल में आग लग गई, सारे पशु पक्षी सब भाग गए, लेकिन भरत रूपी हिरण नहीं गए, वहीं अग्नि में जल करके भस्म हो गए। और अब वही भरत जी महाराज का तीसरा जन्म आंगीरस ब्राह्मण के यहाँ हुआ, तो यहाँ भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति याद है, तो यहाँ भी कोई गलती नहीं करना चाहते। जानबूझ करके, ब्रह्म ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके पढ़ाई नहीं पढ़ी, जानबूझ करके पिताजी को कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि पिताजी चाहते हैं कि ये पेट पूजा खाना कमाना सीख जाए, कुछ पंडिताई सीख जाए, गृह शांति सीख जाए, कुछ पूजा पाठ कराना सीख जाए, तो इसका विवाह कर देंगे, घर गृहस्थी बस जाएगी और इसका जीवन जो है सफल हो जाएगा। लेकिन भरत जी महाराज जानबूझ करके जड़ बन गए, और उनका नाम ही पड़ गया है फिर श्री जड़ भरत जी महाराज। पिताजी चले गए, मैया चले गई, भाभी और भैया ने बड़ी यातनाएं दी, बासी तिबासी कुबासी सड़ा हुआ खाना खिलाया, इतने में भी मन नहीं भरा तो घर से बाहर निकाल दिया, तो जंगल में चले गए। जंगल में मस्त मलंग होकर के पड़े हैं, पत्ते खाते, घास खाते हैं, कहीं फल मिल जाए तो फल खा लेते हैं, लेकिन चेहरे पर किसी प्रकार की कोई सरवट नहीं, मन में किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं। आज राजा रहुगण की सवारी जब जंगल से निकली तो राजा रहुगण का एक कहार बीमार हो गया, कहार लेने के लिए राजा ने तीन को भेजा, तो तीनों जने गए, तो वही जड़ भरत जी महाराज बड़े सुंदर चमचमाते हुए हट्टे कट्टे दिखाई दिए, तीनों जने पकड़ करके ले आए और राजा रहुगण की पालकी में कहार बना के लगा दिया। अब जब पालकी लेकर के चले तो रास्ते में जो भी चींटी चींटा कीड़ा मकोड़ा आए तो भरत जी महाराज थोड़े उछल जाएं। अब कोई पालकी में बैठा हो तो आप जानते हैं ना, पालकी में बीच में एक डंडा होता है बड़ा मोटा सा, और सिर से कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं रहती उसकी। अब कोई पालकी कंधे पर रखा हो और ऐसे ऐसे उछले तो जो भीतर बैठा है उसका सिर तो डंडे में लग के फूटेगा ही। तो दो चार बार भरत जी उछले
तो राजा रहुगण वैसे ही बड़ा भयंकर अहंकारी अज्ञानी अभिमानी था ही, तो उसका सिर फूटा तो बड़ी जोर से भयंकर क्रोधित हो गया। दो चार गाली गलौज करता हुआ कहने लगा कि रखो पालकी नीचे, किस मूर्ख दुष्ट की इतनी हिम्मत है कि उछट्टी मार मार के चल रहा है। तो जो रहुगण के कहार थे वो थर थर कांपने लगे, हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज हमारी कोई गलती ना है, देखो ये जो हट्टा कट्टा मोटा चिकना चुपड़ा जो हम पकड़ के ले आए महाराज, ये बहुत उछट रहा है, इसे अभी ही आपकी महिमा का पता नहीं है। तो राजा रहुगण ने भरत जी की बड़ी जोर से क्लास लगाई, ऐसी क्लास ऐसी धमकियां दी, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, काट डालूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुझे फांसी पर लटका दूंगा, तुझे सूली पर चढ़ा दूंगा, तुझे चौराहे पर लटका करके कोड़ों से मारूंगा। न जाने कितनी धमकियां दी, इतनी धमकी देने के बावजूद भी जड़ भरत जी के चेहरे पर मुस्कान है। और जड़ भरत जी ने मन में सोचा कि हे भरत, यदि आज तू नहीं बोला तो बाद में इतिहास में ये दुनिया कहेगी कि जड़ भरत जैसे परम ज्ञानी परम सिद्ध संत ने जिस राजा की पालकी को अपने कंधे पर ढोया या अपने कंधे पर उठाया, वो राजा फिर भी मूर्ख का मूर्ख ही रह गया, अज्ञानी का अज्ञानी ही रह गया। इसका मतलब संत संग करने का या संत ने जिसको उठा लिया उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी ऐसे महापुरुष ने। तो आज जड़ भरत जी से रहा नहीं गया, कहने लगे कि हे राजन, तुम हमें क्या मारोगे, हमें तो न हवा सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न तुम्हारी कोई कटारी हमें काट सकती है, माने तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहत पावक न चैनम क्लेदयंत्यापो न सोसयति मारुतः। हे राजन, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। राजा ने देखा, इतना डराया इतना धमकाया, लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो राजा समझ गया ये साधारण साधु नहीं, ये कोई ब्रह्म ज्ञानी है। राजा ने हाथ जोड़े, बोले महाराज आप कौन हो क्या हो, अरे बताओ तो सही। तो देखो राजा रहुगण को जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है कि हे राजन, तुम चाहे कितना भी दान कर लो, धर्म कर लो, सत्कर्म कर लो, सेवा कर लो, सुमिरन कर लो, तपस्या कर लो, लेकिन जब तक रहु गणई तत् तपसा न याति न चेत जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विना महत्पादरजोभिषेकम्। जब तक महापुरुषों के चरणों में तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी, निष्ठा नहीं होगी, महापुरुषों के चरणों में जब तक तुम बैठ करके भगवान की कथा नहीं सुनोगे, महापुरुषों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। तो राजा रहुगण को ऐसा दिव्य उपदेश दिया महाराज, राजा रहुगण की बुद्धि बदल गई, राजा रहुगण का जीवन बदल गया, और राजा रहुगण भी आज परम पवित्र हो गया। पहले इतना देहाभिमानी था, लेकिन आज जो है सत्संगी हो गया। और राजा रहुगण कह रहा है कि तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। 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 जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। Thank you.
चरणों से आ करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ चरणों के ही सहारे चरणों के ही सहारे चरणों के ही सहारे चरणों के ही सहारे भव पार हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया आप मिल गए जो पर आप मिल गए तो पर आप मिल गए तो धनवान हो गया मेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया जन्मों की प्यास थी जो हो जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो हो जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया हरि तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके Yeah.
शरण में आके और मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके गया। जय जय श्री